अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में ड्रामे का इंटरेस्टिंग लास्ट एपिसोड का प्रोमो शेयर कर दिया गया है, प्लस और आप इसमें जो है मजीद क्या कुछ उस एपिसोड में देख सकते हो, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले, पेशगी करने वाले हैं। जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना, चल जल्द वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माँ नहीं सासू में ड्रामे करने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो। बीज को यहाँ पर शाइस्ता ने पकड़ के रखा और कह रही है कि मैं इसे फेंक दूंगी, और इसके बाद नाजरीन जल्दी से भाग कर आ जाता है। यहाँ पर अदरीस और नाजरीन फाइल लेकर आता है जिसपे कहता है को कि यहां पर साइन करो और यहां पर जल्दी से साइन कर दो, वरना यहां पर जो है तुम्हारी बच्ची को फेंक दिया जाएगा। और यहां पर हमसे मुआहदा यही करो कि यहां पर ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और अरीज जो है तुम्हारी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा शिस्ता खुश होती है और नाजरीन जिसके साथ साथ इन्हें और खुश कर देती है। अरूज के यहां पर मैं जो है वो अभी के अभी साइन कर देती हूँ, यहां पर मुझे बिल्कुल भी ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप जहां पर कहेंगे मैं वहीं पर जो है वो साइन कर दूंगी, जिसकी वजह से यहां पर यह काफी ज्यादा जो है वो खुश हो जाती हैं। और नजरें शायद यहां पर अरूज जो है वो साइन वगैरह जो है वो कर भी सकती है, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा ये जो है वो गुस्से में आई हुई है शाइस्ता। और नजरें इसका जो वो प्लान कामयाब हो जाएगा, और इसके साथ साथ नजरें आप लोगों को लगता है अरूज साइन कर देगी और नजरें वो यहां पर काफी ज्यादा खुश तो हो जाएंगे, लेकिन नजरें आप लोगों को क्या लगता है कि यहां पर सचमुच इनके नाम प्रॉपर्टी ये सब कुछ हो जाएगा, या फिर नजरें यहां पर ये जो है वो ऐसे ही बाद में फाइल वगैरह जो वो छीन लेंगे बच्ची लेने के बाद? आप लोगों को क्या लगता है, जरूर से अपना कीमत हर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नजरें यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो थक हार कर जो है वो खड़े होते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है वो शाइस्ता अदरीस से बात कर रही होती है, और ऊपर से जो सलमान की एंट्री होने लगती है और वो दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमने जो है प्रॉपर्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया। यहाँ पर ज्यादा पापड़ बेले, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने अपने जो है वो सलमान तक को यहाँ पर जो मरीन की झोली में जो है वो डाल दिया सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी की लालच में। और नजरें यहां पर सलमान ये सब कुछ सुन सुन के जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है, उसके सामने जो है वो सब कुछ आ रहा होता है, यानी यहां पर इन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि इस प्रॉपर्टी के लालच में जो महरीन के जो है हवाले कर दिया, जिसकी वजह से इसे जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसके पांव तले जमीन निकल रही होती है। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी जो है वो कह रही होगी शाइस्ता कि यहां पर मैंने जो है वो आज मार ही देना था इस अरूज की बेटी जो है वो अरीज को, लेकिन यहां पर वो बच गई। और इसके साथ साथ यहां पर बहुत ज्यादा गमगीन हो रहा होता है दरीस और कहता है कि शायद तुम जो है वो गुस्से में ये चीज भूल गई थी कि वो जो है वो बेटी सलमान की भी है, जिसकी वजह से नाजरीन यहां पर ये बात कर ही रहे होते हैं। और नाजरीन यहां पर एकदम से गुस्से में जो है वो आ जाएगा, कमरे के अंदर एंटर हो जाएगा सलमान, और यहां पर बहुत ही ज्यादा जो है वो कहना शुरू कर देगा कि आप लोगों ने जो है वो इतना बड़ा जो है वो धोखा मुझे दिया, यहां पर इतनी बड़ी जो है वो गलत फहमी, ये सारी के सारी जो गलत फहमियां दूर हो गई कि यहां पर जो है वो आप लोगों ने मुझे ऐसे ही नहीं महरीन के हवाले किया था, बस प्रॉपर्टी की जो है वो लालच में आपने जो है वो मुझे उसके हवाले किया था, या आपने जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो अदरीस काफी ज्यादा बेचारा घबरा जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो साफ तौर पे सलमान कहेगा कि हाँ जो औरत यहाँ पर जो है वो अपनी पोती को सिर्फ और सिर्फ इस जो है वो जायदाद की लालच में जो है वो मारने की कोशिश कर सकती है, वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। महरीन यहाँ पर जो है वो हंस रही होती है अपने बेटे की यहाँ पर ये सारी बातें सुन के, और इसके साथ साथ नजरीन यहाँ पर सलमान साफ तौर पर कहना शुरू कर देता है कि आप लोग जो है वो मुजरम है, आप लोगों को जो है वो सजा जो है वो तो मिलनी ही चाहिए। और नजरें अदरीस यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान खड़ा होता है, यहाँ पर सब कुछ जो वो इसके सामने आ गया। और इसके साथ साथ सलमान ने जो है वो अपनी पिस्टल डाली होती है पेंट की जेब में, जिसके बाद वो जल्दी से निकालता है और नजरें उसे लोड करता है, और जिसके बाद यहाँ पर जो है वो तान देता है शाइस्ता के ऊपर, और नजरें शाइस्ता जो है एकदम से हैरान हो जाएगी, उसके पाँव तले जमीन निकल जाएगी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, मेरा बेटा मुझ पर ही जो है वो गन निकाल कर खड़ा हो चुका है। यहाँ पर नाजरीन ये काफी ज्यादा बातें करेगी, कहेगी कि मुझे माफ कर दो, यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं करना था। नाजरीन काफी ज्यादा इसकी जो है मिनते समाजते भी कर सकती है, इस तरह से हम लोगों को दिखाया जाएगा, प्रोमो में तो नहीं दिखाया लेकिन हो सकता है ऐसा हम लोगों को जो दिखाया जाए। और इसके साथ साथ सलमान अब यहाँ पर जो है रोता हुआ जाएगा अरूज के पास और उससे माफी मांगेगा, उसे कहेगा कि मुझे माफ कर दो, यहाँ पर मेरे सामने जो वो सब हकीकत आ चुकी है। और यहाँ पर महरीन भी नाजरीन खड़ी होगी, यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा जो है वो तो चाहेगी कि यहाँ पर ये अरूज माफ कर दे, लेकिन नजरीन अरूज कहती है कि ना तो मैंने अब कुछ सुनना है और ना ही यहाँ पर कोई समझाना है, और यहाँ पर बंदा समझाता तो उसको है जो कि समझने की हालत में हो, लेकिन यहाँ पर अब सलमान से मुझे जो वो कोई भी तवक्को नहीं है। यानी नजरीन यहाँ पर अब जो है वो सलमान को जो है वो सब समझ आ चुका है, लेकिन अरूज ने शुरू में कहा था कि नहीं यहाँ पर मैं जो है वो इसे अपने साथ चाहती हूँ, महरीन को इसने साफ तौर पर कहा था, लेकिन नजरीन यहाँ पर अब ये शायद दोबारा समझेगी कि शायद यहाँ पर
ये जो है वो मेरे साथ कुछ दोबारा से उसी तरह से कर रहा है प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो नाजरीन इसके बाद आप लोग इंटरेस्टिंग देखोगे। यहीं पर खत्म हो गया, इसके आगे जो है आप लोगों को प्रेडिक्शन जो देखने को मिलेगी, जो मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड में लास्ट एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वो यही के नाजरीन यहां पर अब अदरीज और नाजरीन शाइस्ता नाजरीन वो काफी ज्यादा जो है वो उनका दिमाग हिलने वाला है। यहां पर वो काफी ज्यादा रोएंगे कि यहां पर हमारे बेटे को भी हमारे वाहद सहारे को भी यहां पर सब कुछ पता चल चुका है। और इसके साथ साथ नाजरीन यहां पर ये शाइस्ता शायद हो सकता है ये जो है वो हिल जाए, यहां पर इसका स्क्रू जो है वो थोड़ा सा ढीला हो जाए, इस तरह से हम लोगों को दिखाया जा सकता है। क्योंकि जब यहां पर इसने बच्ची को उठाया हुआ था जिस तरह की बैक की बातें कर रही थी लग था कि बस ये अब जो है वो इसी तरह से जो है वो पागल हो चुकी है, यहां पर ये ऐसे ही करेगी। लेकिन नजरें यहां पर ये जो साइन वाला मामला हुआ इससे यहां पर लग रहा है कि ठीक है, लेकिन यहां पर फिर से हो सकता है कि इसका जो है मजीद स्क्रू ढीला हो जाए जिसकी वजह से यहां पर ये पागल हो जाए। कुछ इसी तरह का जो है हम लोगों को माहौल भी दिखाया जा सकता है लास्ट एपिसोड में। यहां पर अगर इस तरह की चीजें दिखाई देंगी तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके साथ साथ यहां पर इस दृश्य का तो वैसे अभी तक जो है इतना ज्यादा खास कोई अंजाम वगैरह दिखाया नहीं गया, लेकिन यहां पर हो सकता है कोई इसके स्कैम वगैरह जो है वो कंपनीज के निकलेंगे। यहाँ पर इसने कितने ज्यादा जो है वो घोटाले किए हैं, कितने ज्यादा इसने जो है वो पैसा हड़प किया है, और यहाँ पर और भी बहुत जो है वो इस पे केस से निकल सकते हैं क्योंकि इसने जो है वो बहुत कुछ जो है वो छुपाया है, बहुत कुछ जो है इसने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। शायद इसकी दूसरी बीवी भी यहाँ पर शूटर वाला मामला और भी बहुत सारे जो है वो मामले निकल सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है हम लोगों को जेल में भी दिखाया जा सकता है, काफी ज्यादा जो है इसके हाई चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये नहीं दिखाता तो यहाँ पर काफी ज्यादा लोग डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन कुछ लोगों को खुशी है कि काफी ज्यादा देर बाद इस ड्रामे को जब वो खत्म होता हुआ देख रहे हैं, कुछ न्यू कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो हाँ यहाँ पर दाऊ ड्रामा आने वाला है वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है उसका प्रोमो टीजर वगैरह देख के। और इसके साथ साथ अब रमजान मुबारक भी आने वाला है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बस तो थोड़े दिन रह चुके हैं। और इसके साथ साथ अब हम अब ये भी बात कर लेते हैं कि सलमान का रूह जो है वो किस तरह से माफ करेगी। तो नाजरीन इतनी ज्यादा आसानी से तो नहीं माफ करेगी, लेकिन नाजरीन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा सलमान जिसकी वजह से यहाँ पर इसे जो है वो थक हार के यहाँ पर इसे जो है वो साबित हो जाएगा कि यहाँ पर ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, यानी यहाँ पर ये जो है वो खालस दिल से यहाँ पर इसने जो है वो हमसे माफी मांग ली है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है वो खुले दिल से माफ कर देगी। और यहाँ पर मास्टर शेम नसीमा यहाँ पर ये सब लोग हमें एंड में जो है वो इकट्ठे होते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर महरीन से भी यहाँ पर स्पेशली काफी ज्यादा जो है वो माफी मांगी जाएगी जिसकी वजह से महरीन यहाँ पर माफ तो कर ही देगी। और इसके साथ साथ नसीमा मास्टर शेम नाजरीन यहाँ पर ये लोग भी बहुत ही ज्यादा आसानी जल्दी से जो है वो माफ कर देंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर अरूज थोड़ा सा देर लेगी लेकिन नाजरीन वो भी जो है वो माफ कर देगी। और इसके साथ साथ नाजरीन आप लोगों को क्या लगता है वो जो वीडियो वाला मामला, इसके साथ साथ और भी मामले जो थे यहाँ पर अभी तक बंद हैं, यहाँ पर उनका कुछ भी पता नहीं चला, तो नाजरीन क्या उन्हें भी डिस्कस किया जाएगा या फिर ऐसे ही इन लोगों को छोड़ के यहाँ पर जल्दी जल्दी में खत्म करके बस जो है वो इसके काफी ज्यादा पॉइंट जो है इसी तरह से धरे के धरे रह जाएंगे। जरूर से अपना कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते जाइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है इस ड्रामे के बाद यहाँ पर आप किसका रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। ये हमारी इतनी सी प्रेडिक्शन थी, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों सब्सक्राइब करते जाना। आपके बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।